Happy birthday, Namita. A very happy birthday to you. And I hope you keep working and you keep getting successful. And it's nice working with you. मैं ऐसे कोई कंटेंट पोस्ट नहीं करती हूँ. आई डोंट थिंक आई वुड कॉल माय वीडियोस कंटेंट, क्योंकि मैं एग्जैक्टली कंटेंट पोस्ट नहीं करती हूँ. बट आई डू व्हाट माय पीपल लाइक एंड समटाइम्स व्हाट आई लाइक. तो हाँ, तो इतना कुछ सोचना नहीं पड़ता है. बस जो फैंस को चाहिए होता है कि यार आप ये एक बार बनाओ, अगर कुछ DMs आते हैं या मेरा मन भी करता है कि हाँ शायद ये मेरे लोगों को अच्छा लगेगा, सो आई मेक दैट. बहुत सपोर्ट मिला, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को. एंड अच्छा लग रहा है मुझे. वो पहले भी मुझे अप्रिशिएट करते थे, अभी भी करते हैं. ऑफ कोर्स वो तो रहता है कि मैं कुछ नया ही पहनूँ हर बार. यही है मेरा कि कुछ भी हो, भले वो इवेंट हो या शूट हो, कुछ भी हो, आई कीप वेयरिंग न्यू थिंग्स. सो माई पीपल लाइक इट. बहुत जल्द, बस अभी थोड़ी बहुत चल रही है कुछ प्रोसेस, कुछ खुद का भी थोड़ा और खुद को चेंज करना बाकी है. तो एक बार अपने पे वर्क कर लूँ, उसके बाद काम कर लूँगी. आई थिंक यू नो पीपल मेक पीपल लाफ. सब लोग को हंसाने के लिए बहुत मुश्किल काम है. आई एम सो हैप्पी मैं सबको लोग को हंसाता हूँ, बिकॉज आई फील सब लोग खुश दिलाने के लिए थ्री पीपल हैप्पी ना, वो भगवान तक पहुंचते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़ ऑफ दैट. राजीव का न्यू फ्रेंड इनसाइड द बिग बॉस हाउस, हमने वहां पे ढेर सारे फ्रेंड्स बनाए. भद्रो पे गए, आपने भद्रो में भी डेफिनेटली बहुत सारे फ्रेंड्स. कोई एक ऐसा जिसके साथ खास बॉन्ड बना. मैं सबको मिलता हूं, प्यार से मिलता हूं. आई नेवर जज एनीबॉडी. मैं सबको एक्सेप्ट करता हूं हाउ दे आर. आई थिंक बिग बॉस में भी, यहां भी और मैं जाके शो में जाऊंगा. आई थिंक यू नो पीपल हैव अ वार्म टुवर्ड्स मी, वार्म टुवर्ड्स देम, एंड आई थिंक वी गेट अलोंग जेन्युइनली. बट I love all the contestants. I love all the contestants. Big Boss also, and I'm happy that you know I had fun with all of them. मुझे बहुत अच्छा लगा. It was very very sad. I think it's very sad, and especially when someone has worked so hard in the industry, dies so suddenly. So my thoughts and wishes are with his family. My sympathies. And I really, my thoughts are with him at this, his family, this really sad time. Dekho, I feel, you know, what Ranveer is saying, he's very bold and very courageous. I think sabke apne apne decisions in life mein, I think it's a very good thing. It's up to him, and I think usko kuch bura nahi kiya. I think it's up to him, it's a statement, and it's a magazine cover, and I think, you know, I am fine with it, you know. It's nothing bad in that. It's a statement piece for a magazine, you know. I always believe you'd be very comfortable in your own skin. And aap jo aapka khud ka shareer mein aur khud ka skin mein comfortable hona, to that's fine. And log judge karenge, aap acha karoge, if you do good things, log isme bura sochne wale hain. Aap bura karo to fir woh bhi bura bolenge. So I think, you know, you shouldn't think about the trolls and haters. Just do your thing and be happy. Bas khush raho. Yeah, thank you so much. आ जाना. अरे तू बर्थडे गर्ल है, आ जा भाई. शिमर कहाँ है? गधे का अवार्ड किसको देना है? गधे का अवार्ड किसको देना है? तेरा फेवरेट डायलॉग है ना ये. भाई साहब ये तो अभी कल्याण ने टिकट भेज दिया, वीजा भी नहीं भेजा है. हम लोग हमारी टिकट ही करके जा रहे कल सुबह.
काम है ना अभी। आज मेरी फ्रेंड स्वीट हार्ट डार्लिंग बहन नमिता का बर्थडे है और ये हमारे लिए बहुत काम करती है। शी इज़ अमेजिंग, मतलब आइफा से लेकर यू नो आबू धाबी से लेकर मुंबई तक ये हर जगह। अभी राखी इज गेटिंग टू अवार्ड्स आ मिड डे एंड दादा साहब फाल्के में। या थैंक यू। नहीं, शी इज स्वीट हार्ट एंड शी इज डूइंग वेरी गुड। पूरा शिमर एंटरटेनमेंट है इनका एंड शी इज़ अमेजिंग। शिमर में कौन कौन है? तस्नीम और नमिता। कभी मैं तस्नीम के बर्थडे पे आती हूँ, कभी नमिता के बर्थडे पे आती हूँ, तो साल में दो बर्थडे मनाती हूँ। हमारे कलीग है, हमारे फ्रेंड्स है, तो आना बनता है। वैसे हम लोग ढंग के कपड़े पहन के नहीं आए हैं, बट जब से विजय हीरो ने 199 की चप्पल पहनी है, वो पिंगरी फिल्म ना, डिंगरी टाइगर लाइगल अगली, हाँ अगली पगड़ी 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 वो है वो ना, हाँ वो अगली पगड़ी अभी नीचे का तो नहीं देख पाओगे आप लोग। थैंक यू। तो देखो वो 199 की चप्पल पहन के इतना बड़ा हीरो भाई करण जौहर का बताओ, और मेरा हीरो कम थोड़ी ना है उससे भी। आदिल मैं बोल रही हूँ, कब से आप कब बोलोगे? मुझे चुप कराओ। जब राखी बोलती है तो मैं कहाँ बोलूँ, ये बोलती रहती है, शाम हो जाती है, सब कुछ राखी तो बोलती है। ओके छू पापा, बोलो। अभी मैं बोला चप्पल पहनाओ, जाने दो, ये बोलता लाइगर वो ये करण जौहर, मैं क्या बताऊं अभी। आजकल फैशन है हीरो चप्पल। सॉरी, हमारी हीरोइन तो एवरग्रीन है, हर हमेशा अच्छी रहती है और हंसाती रहती है, एंटरटेनमेंट है, 24 घंटे मेरे को हंसाती है। देखो अच्छा है ना, दुनिया भर में बीवियां और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडों को रुलाती है, तुम सब रोयले रोतड़े लोग दिख रहे हो। देखो सिर्फ मैं एक हूँ जो इनको हंसाती हूँ, तुम लोग सब सुकड़ बमिल चूसे हुए आम दिख रहे हो। देखो तुम्हारा खून चूसती है गर्लफ्रेंड है, मैं तो प्यार करती हूँ। बर्थडे गर्ल आओ, नहीं माँ गोली मारो नेगेटिव चीज को, मैंने सिर्फ पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। आदिल इज माय, वी आर गोइंग टू मैरी एंड हमारे ढेर सारे बच्चे होंगे और हम बहुत अच्छी लाइफ निकालेंगे। हो सकता है डेफिनेटली करण जौहर जी के साथ एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो बोल नहीं सकते, यू नो आप समझ रहे हो ना, तो बेटर है कि अवार्ड के बारे में पूछो ना, उनको अवार्ड मिल रहे हैं, दो अवार्ड, उसके बारे में मुझे अवार्ड मिल रहा है देश को जागरूक रखने का, देश को जगाने का, देश को हंसाने का। कौन आया? राखी जी। हाय विशाल है, विशाल वही वाला क्या, एक ही है भाई मेरा जो दुबई में मिला था, वही है ना, ये वही एक ही है मेरा, एक ही लाता है। विशु तू ऐसा करता है, ये वही है कैसे करता है, मेरा एक ही लाता है। वो मिला था, मैं दुबई में आईफा में भी था, हाँ तो तभी नया था ना, अभी कंफर्म किया कि यही है, अभी यही है। मेरे मरते दम तक कब्र में जाने तक विशाल यही रहने वाला है। तो मतलब 200 साल तक, मैं 200 साल तक जीऊंगी, 300 साल तक मुँह में सारी मिठाई या लड्डू वड्डू सबको। ये अकेली है जो बिग बॉस के पहले सीजन से, मैं बिग बॉस 200 में भी जाऊंगी ऐसे। ये बिग बॉस में अगर बिग बॉस खत्म भी हो गया, हमारी पीढ़ी उधर पीढ़ी जाएगी ना, बिग बॉस में पेड़ रहेगा उसके ऊपर लटकी हुई लगेगी और पेड़ से ऊपर से बोलूंगी मैं हो राखी सावंत, तू कहाँ जा रहा है यार, आ रहा तू खत्म कर इसका। So guys, कोई और क्वेश्चन है बचा हुआ? सलमान खान का
विक्रम और बेताल हाँ भाई का तो जो आएगा फिल्म तो अमेजिंग ही होगा। एक्चुअली मैंने आज फोन नहीं देखा क्योंकि मेरा प्रीपेड खत्म हो गया है, आज मेरा फोन ही नहीं चल रहा। अभी मैं प्रीपेड कराऊंगी, मेरा फोन ऑन होगा, मैं सारे ट्रेलर देखूंगी। तुम्हारा फोन पोस्टपेड है? हाँ। तुम्हारा फोन बिल का है? मेरी फोले क्यों खोलता है बाबू? नहीं नहीं वो बिल मेरा सारा रिचार्ज यही करवाते हैं, मेरा रिचार्ज यही करवाते हैं। He is my sweetheart. He is my battery only. Without him, I am puss. He is my battery. ये मुझे सिर्फ हाथ लगा दे, ये मेरी चार्जर है, ये मेरी बैटरी है, ये मेरा कनेक्शन है, ये मेरा अब हाथ लगाओ तो लगा? लगा? नहीं लगा के रखो। ओके बाय एवरीवन, सी यू। तू सात जन्मों के आज ही सवाल पूछ ले सारे। चलो हाँ जी हाँ? क्या हाँ बहुत बड़े कीड़े ने काटा है इसका इसका इसके भी इसको भी बहुत बड़ी कीड़ी ने काटा है काटा काटी चलो अनुज मोबाइल भी चले ना अनुज कहीं ना कहीं आप भी बोल रहे हैं कि शादी मतलब फिक्स हो सकती है साल मतलब कुछ हो सकती है मुझे तो उनकी कुकी जोड़ी लगता है हमारी एक तो हमारी गार्डन जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जो हमारे जेलर साहब है वो अति उत्तम सब बोलता है वो जो एक जैसे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की पर्सनैलिटी की जोड़ी है बॉलीवुड बहुत ही ज़्यादा कामयाब है और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वैसे ही हमारे छोटे पर्दे में हमारे जेलर साहब और हमारी गार्डन जो है इनकी जोड़ी मैं नंबर वन पर देखता हूँ। सर हाल ही में रणवीर सिंह सोशल मीडिया पे आग लगाई और आग के धुएं निकाल दिए और मतलब कहते हैं कि वो रॉकेट है जिनमें हम लोग वो रॉकेट है जिनमें पंचर नहीं लगते और मैं रणवीर सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं एक्चुअली क्या है कि मैं सोच रहा था यार मैं एक स्टोरी डालूँ इंस्टाग्राम पे जिसमें मैं लिखूँ कि मैंने कहा बाबा अब तक तो आपको फॉलो करते आए सारे तो अब तक आपकी सारी चीज़ें फॉलो करी हैं अब ये फॉलो करूँ कि ना करूँ तो वो रणवीर सिंह है वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी नहीं अभी कभी कुछ यार माँ बाप हमारे वही हैं जिंदगी में पहला शो मुझे मैंने एंडी मॉल के साथ किया था
अपना लास्ट एनिमल के साथ किया है, अपना अगला भी एनिमल के साथ ही करना। अरे यार नया सीजन थोड़ा लेट हो गया इस बार, शायद पता नहीं सर्वोत्तम था इसलिए इस बार थोड़ा लेट कर दिया लोगों ने। करण कुंद्रा उसको होस्ट कर रहे, ऐसी खबरें आ रही, क्या कहना चाहोगे? बेस्ट है, मतलब देखो रन्स जैसे होता है ना कि एक बॉडी बिल्डिंग का ट्रेंड सलमान खान साहब ने शुरू किया था, और जो रणविजय सर है ही इज़ अ लेजेंड फॉर अस, उन्होंने जो जिस तरह से लोगों को बनाया है, एक बिग बॉस को जैसे सलमान खान साहब ने बनाया है, तो वो भाई का घर बन गया, उसका नाम बिग बॉस बाद में, पहले वो भाई का घर है, जैसे हमारी रानी की जेल है, तो वो जो उन्होंने शो जो वो देखो लेजेंड लेजेंड होता है हमारी नज़र में, इसमें लोगों को बनाने वाले डांसर है, कोई भी आए अच्छा अपने आप में सर्वोत्तम करेगा, पर एक हमारे लिए मेरे तो डांसर लेजेंड है, दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू, मैम लुक दिस साइड, थैंक यू। अरे सोलो विजुअल नहीं है, हाँ ले लो। और आज बिकॉज बारिश हो रही है सो मच यू नो लाइक रेनिंग सो हेवीली, तो ऐसे ही आ गई बिकॉज इट्स नमिता का बर्थडे सेलिब्रेशन, सो लाइक ओके नमिता का जन्मदिन है, क्या कहना चाहोगे? कम उम्र में अच्छी यार बनना और क्या कहना चाहोगे? शी इज अमेजिंग, हर हमने देखा आपकी जर्नी जब शुरुआत ही हुई थी बहुत मुश्किल भरा था आपका जर्नी, वो समय आपको याद हो? होना क्या आपको लगता है कि फिटनेस के वजह से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट फिट तक मेरी बॉडी ऐसा ना हो जाए, खाना छोड़ देते हैं क्या, कुछ क्या कहना चाहोगे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से लाइक यू नो सब अपना डेस्टिनी में लिखा कर लाते हैं कि हाउ फार द पर्सन इज गोइंग टू बी योर और यू नो लाइक इट्स वेरी सैड न्यूज, बहुत बुरा लगा मॉर्निंग से वही देख रही थी, सो बट यू नो लाइक स्ट्रेस एक चीज़ है जो हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा हो गया है, और जब हम स्ट्रेस बीट एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, हम लोगों की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे फिट भी रहना है, काम भी करना है, यू हैव टू मेंटेन योर स्टेटस एंड एवरीथिंग, सो यू नो लाइक इतना प्रेशर होता है उससे ना बहुत ज़्यादा पीपल गो इन डिप्रेशन, बहुत टेक टू मच स्ट्रेस, बहुत टेंशन आ जाता है लाइफ में, तो आई थिंक दिस इज समथिंग इफ वी कैन अवॉइड एंड if we focus more on ourselves and then into work, so we can I think that again if we can live little longer, but we cannot fight destiny, again I believe in destiny, so I believe everything is true. Bhai ji, any upcoming project to share karna chahenge aap? Rain ho raha hai, new up Haridwar ho raha hai, Shak That Out again we will be shooting that film in London, so this भाई जी हाल ही में रणवीर सिंह और सोशल मीडिया पे पोस्ट किए, वो सोशल मीडिया पे आग लगा दिया हम सब जल गए, लेकिन भाई जी आपको सोसाइटी में कुछ खराबी आदत या अशुद्धता फैला रहे रणवीर सिंह? सबका अपना अपना चॉइस है, अपना प्रोगेटिव है, अपना वे ऑफ थिंकिंग है, उसकी ओपिनियन है, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट,
अगर आप मुझे बोलोगे तो आई विल अवॉइड दैट, बट ही इज फाइन, ही इज वेरी बोल्ड एंड ही इज वेरी ओपन, सो ही लाइक्ड इट, इट्स हिज लाइफ, ही कैन नेम हिज लाइफ द मेन पर्सन. लुकिंग प्रीटी मैम. बोल बाप, कैसे हो सब? तो मिल गया जाए, खत्म बोलो. मैं फ्री का केक खाने के लिए कहीं भी चला जाता हूँ, मतलब अगर आपके बर्थडे पे भी बुलाओगे और केक फ्री में होगा तो मैं आ जाऊँगा. बट वैसे नमिता इज़ वेरी क्लोज और हमेशा अच्छा लगता है. बहुत बारिश हो रही है, आमतौर पर हम लोग मुंबई कर इतनी बारिश में कहीं आते जाते नहीं है, लेकिन नमिता का बर्थडे तो आना तो बनता है. तो आई एम हियर एंड आई विश हर ऑल द हैप्पीनेस. थैंक यू सो मच. अरे उसके लिए मैं ही गिफ्ट हूँ, ऐसे मैं खुद खुद को रैप कर. यार मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड तो लोगों का प्यार है यार, जहाँ भी जाता हूँ इतना सारा प्यार मिलता है, मतलब आईफा तक पहुँच गया, यही खुशी है. अवार्ड आते रहेंगे, काम अच्छा करते रहेंगे, अच्छा काम करो लोग पसंद करें, वही अवार्ड. मेरा प्ले कल रिलीज हुआ है, थ्री चेयर्स, विच वॉज अ ह्यूज ह्यूज हाउसफुल यस्टरडे एट रंग शारदा. और नेक्स्ट शो होने वाला है 31st को NCPA में, उसके बाद हम जाएंगे अहमदाबाद. उसके अलावा अजय एक फिल्म अभी अभी कंप्लीट की है, विच इज़ अ मराठी फिल्म कॉल पार्टनर्स, जो जल्दी आ जाएगी, पोस्ट प्रोडक्शन में है अब वो. उसके बाद ये प्ले, फिर जो भी अच्छा काम हो करूँगा. लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्टिंग समथिंग वेरी बिग दैट विल कम सून. दीपेश और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने एक शो किया था डार्लिंग आई लव यू टू, जिसमें ही प्लेड माय वेरी क्लोज फ्रेंड. तो इट केम एज अ शॉकर, क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले आईटी अवार्ड्स में मिला था यार. फिट लड़का था, हसमुख लड़का था और हमेशा सबको हंसाने वाला लड़का था. तो इट केम एज अ शॉक, बट सच इज लाइफ. अब कोविड के बाद तो धक्का लगना ही बंद हो गया है, मतलब जस्ट खुल के जियो और जो भी वक्त है इस दुनिया में वो सबको हंसाते रहो. यार बॉडी अच्छी हो ना तो वैसा फोटोशूट कर सकते हैं. तो बहुत सिंपल है, टू इच इज़ ओन. अगर कोई अपने स्किन में कंफर्टेबल है, कोई करना चाहता है तो वाई नॉट. अगर बॉडी अच्छी है, मुझे रणवीर सिंह बहुत हॉट लगा उस पिक्चर्स में, एंड आई रियली फील दैट इफ यू हैव अ गुड बॉडी यू कैन गो एट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बींग वल्गर एंड बींग क्लासिक. सो ही क्लिक्स इट इन अ वेरी क्लासिक वे, इन अ वेरी वेरी नाइस वे, एंड एज लॉन्ग एज इट्स नॉट वल्गर एवरीथिंग इज गुड. गॉड ब्लेस. बोल बाप. हेलो, देखो दोस्त के बर्थडे पे आए तो वही गाना है अपना पुराने वाला, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000. हम चाहते हैं काफ़ी जीती रही हैं और ऐसे लोगों की दुनिया में कमी है, क्योंकि बहुत स्वीट हैं, तो मैं चाहता हूँ लाखों साल जिए. क्या करना चाहूँगा? दिल देना चाहूँगा मैं इनको अपना. नमिता, मैं अभी आजकल टीवी नहीं कर रहा हूँ, कुछ टाइम से मैं अपना बिजनेस सेटअप करने में लगा हूँ बॉम्बे में. दिल्ली, वैसे मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली में तो हम सॉर्टेड हैं, तो थोड़ा बॉम्बे में भी सॉर्ट कर रहा हूँ चीज़ें. एंड मैं बार्स एंड नाइट क्लब्स की चेन खोल रहा हूँ और प्रोसेस में हूँ,
एंड आई थिंक बड़ी जल्दी विद इन अ मंथ और सो मैं खोल दूंगा और फिर आप सबको बुलाऊंगा और हम सब साथ में पार्टी करेंगे. थैंक यू. हाँ हाँ भाई मुझे नंगे लड़के देखने का कोई शौक नहीं है. हाँ जी आप तो फिर मिल जाते हैं लेकिन राहुल नहीं मिलते. इसलिए तो आज मैं खींच के लेके आई हूँ. सर मेरी जो हालत हुई है ना सीधा शूटिंग कर रहा था सुबह से घर आया हूँ इनके मैसेजेस आए इनका जन्मदिन है ये नमिता जी हैं हमारी और इनके लिए आए हम लोग. इनको जिम से ऐसे खींच के चलो चलो बंद हो जाएगा ऐसे. कल मेरी सर 7 बजे की शिफ्ट है वो भी बोरी वाली. लगता है कि यार रिलीज आ रही है जो भी रिलीज आ रही है उसमें भी ऐसा हो गया है फॉर्मेट रिलीज का ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है कि यू टू डू अ पीआर एक्सरसाइज और अगर साल की आपकी 4 रिलीजेज हैं उसके बाद कुछ कहने को मतलब ही नहीं है. यू नो व्हाट आजकल लोग एयरपोर्ट जाने के लिए भी करते हैं तो आई हैव टू टेल हिम कि करो यू हैव टू डू इट यू हैव टू डू इट हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू व्हाट बुकस आई जस्ट राइट नाउ इवन यू नो एयरपोर्ट. सी यू एंड आई फील लाइक वी बिलोंग टू द सेम एज ग्रुप सो वी आर फ्रॉम द सेम टाइम एंड एरा एंड आई डोंट थिंक इट वॉज दैट इंपॉर्टेंट टू ड्रेस अप इन अ सर्टन वे टू गो टू द एयरपोर्ट. यू एनी वे स्ट्रेस्ड आउट यू नो फ्लाई टू कैच मेरे ऐसा आदमी नॉर्मली लेट ही होता है मुश्किल से चढ़ जाता हूँ. जी जी बट इज ऑल्सो वेरी लवेबल इट्स फैंटास्टिक टू बी दैट वे एंड आई थिंक यू हैव टू मूव विद द टाइम्स. टुडे आई थिंक अ पीआर इज वेरी 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 एसेंशियल फॉर एनीबडी. गॉड फॉरबिड किसी को हेल्थ का इशू हो गया अभी पीछे कुछ हुआ ना ऐसा तो उसमें एक पीआर कैन सेव यू बाय यू नो टेलिंग आउट द राइट थिंग सेंडिंग आउट द राइट मैसेज इन टाइम सो दैट द वर्क ऑफ द पर्सन हूएवर इज in question is not hampered that much. If there's a clarification needs to be made, again the PR is very very vital and very very important. Yes. Of course, and also to take you to the audiences sometimes when you want to share your part of your life, you want to share some things which are coming in terms of the work front or on a personal front. And the right kind of PR helped. Is very important. The channeled because aajkal social media everything is so out there. So it's very important to have little controlled and what you want to what you are actually you know aisa nahi ki kaha suna ye hum Ranveer Alia ki baat karte hain hum Deepika Ranveer Singh ki baat karte hain mujhe you know Sabir Dhawan aaj like with a perfect couple aur kya aap dono ki chemistry aaj jab main aap dono ki chemistry ki baat karta hu to kya aap ek dusre se bina kahe ek dusre ki baatein samajh jate hain ki ha ye kehna cha rahe hain ya ye karne wale hain ya ye karne wale hain. I don't know about him but main unko dekh ke samajh jati hu ki abhi kya karne wale hain. तो जैसे इनको पता है कि मुझे अभी एक एक्सप्रेसो की ज़्यादा तलब है वो गए हुए हैं इमरान मियाँ हमारे जो है साथ में एक एक्सप्रेसो आ जाएगा पर मैं ना रातों को मेरे से जगह ही नहीं जाता यार सुबह सुबह इतना काम करना पड़ता है कि बिल्कुल थैंक यू सो He's been here for a good amount of time. He's proved himself. Now again, an actor has to prove himself with each project, and he's doing different roles. And it's not about those. पहले होता ना एक villain आ गया. Now it's a different thing. He's doing a very interesting characters like people Wazir Khan जैसे. Yeah, I think I'm very thankful to Atul Kasbekar. हमारे दोस्त हैं बहुत करीबी. जनरल एक मीटिंग हुई थी निखिल अडवाणी साहब के साथ एक रेस्टोरेंट में. कभी ऐसा लगा नहीं था कि कोई काम वाम करने वाले हैं कि ऐसे ही बैंटर हुआ था एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम फॉलोइंग वीक एंड ही वाज वेरी काइंड इन फैक्ट ही इज गिवन मी अनदर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन अनदर सीन. काइंड ऑफ रोल्स आर सेटिंग अ डिफरेंट लैंडमार्क एंड आजकल ये रोल्स बन रहे हैं करने का मौका मिल रहा है एक्टर्स को बिकॉज ऑफ द ओटीटी एंड अ न्यू सिनेमा. सो आई थिंक सिनेमा हैज चेंज्ड अ लॉट यू नो इट्स मोर डीपर स्टोरी टेलिंग इज बिकम मच बेटर और जहाँ स्टोरी टेलिंग नहीं होती इवन द स्टार्स कांट से इट यू नो सो इट्स बिकम लाइक दैट व्हिच इज गुड. क्या कहना था समबडी लाइक यू नो अ कैलिको ऑफ राहुल एंड याद है यार बेस्ट टू वर्क विद वेरी सॉर्टेड पीपल. अच्छा वेरी सॉर्टेड मेरे के साथ कोई नया प्रोजेक्ट आने वाले साथ वाले कोई साथ में ना आप बनाइए ना साथ में करते हैं एक प्रोजेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर मैं सर
नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो जब से आए हैं वो लोग तो क्या हो गया कि एटलीस्ट मुझे ऐसा नहीं होता कि वो डराने वाले रोल्स मिलते हैं, ऐसे रोल्स मिलते हैं अभी बचा, लाइक यू नो बिच रियली वांटेड टू अदर काइंड ऑफ रोल्स. ओके थैंक यू गाइस, एंजॉय आपकी एंजॉय योर. और आप लोग इनको जानते हैं कि नहीं? ऑल द होर्डिंग, द होर्डिंग किंग. जितने उसमें कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे नहीं पहचान पाएगा. थैंक यू गाइस, ऑलराइट गाइस, थैंक यू. सिमरन प्लीज यार मेक देम सेट अप प्रॉपर्ली. हैप्पी ब्राइट बर्थडे बोलना चाहता हूँ. थैंक यू योगेश जी. तो मैं तब से जानता हूँ जब उन्होंने लाइफ का करियर चालू किया था. बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनती है और डिसिप्लिन वाली लड़की है. और मैंने इनके अंदर एक वो जुनून और जो बर्निंग डिजायर है देखी है कि हार्ड वर्किंग है और ऑनेस्ट है. और इसके बहुत अभी अच्छे कॉन्टेक्ट हो गए और बहुत बड़ा नाम हो गया. मैं बोरीवली इधर से एक घंटा दूर रहता हूँ, लेकिन इन्होंने फ़ोन किया स्पेशल आपको आना है तो मैं दो मिनट के लिए बर्थडे भी स्पेशल इनके लिए आया. और इनका फ्यूचर ब्राइट अवे है. He is so big आज कि you know कौन नहीं जानता योगेश जी को. In fact when we used to go to his office he used to give us घर का खाना, you know, and that's how he started knowing us. And फिर योगेश जी पहले तो फोन भी नहीं उठाते थे, पर जब से हमारी फिर उसके बाद he's been supporting us. Thank you योगेश जी. Thank you. जी अंदर जो कौन कौन आ रहा है आज? आ रहे हैं पायल, राखी साहब निकले, ईशा, बहुत सारे.